Hello everyone, this is Shalini here. Welcome to our channel TCS Classes. In this video, we will discuss about types of matrices. Okay? Previous lecture में हमने matrix की definition, उसका introduction और किसी भी matrix को as a function हम कैसे define करते हैं उसके बारे में भी हमने देखा था और matrix के order के बारे में बात की थी और उसमें number of entries कैसे find करते हैं हमने उस पर चर्चा की थी. If you have not seen my previous lecture yet, then please go watch that and after that watch this. Okay? So, video को start करने से पहले अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe करिए और bell icon पे press जरूर करिए और all पर select करिए जिससे कि video की सारी notification आपको मिलती रहे. ठीक है? तो video को start करते हैं. Types of matrices. देखिए कई सारे बुक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ज़्यादा दी होती हैं, किसी में कम दिया होता है. ठीक है? तो ये डिपेंड करता है. हम यहाँ पे फिलहाल सारे टाइप्स ऑफ जितने भी तरह के मैट्रिसेस होते हैं हम सारे को डिस्कस करेंगे एक एक करके. ठीक है? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारा जो सबसे पहला है वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स. ठीक है? तो फर्स्ट है हमारा क्या, नल मैट्रिक्स. ठीक है? नल मैट्रिक्स को हम और क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं. ठीक है? जीरो मैट्रिक्स. ठीक है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं. अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. A matrix of order m cross n is said to be null matrix if all of its elements or entries are If all of its entries are zero, ठीक है? And it is denoted by bold O, ठीक है? Bold O या मोटा zero या मोटा O बोल सकते हैं आप, whatever you want, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, मोटा zero या मोटा O, ठीक है? It is denoted by this. And it is represented by मोटा ओ. मोटा ओ का मतलब मोटा जीरो या मोटा ओ बोल सकते हैं, बोल्ड ओ इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो. ठीक है? यहाँ पे हमने कौन सी मैट्रिक्स ली है, m क्रॉस n ऑर्डर की. ठीक है? इन जो हम जनरल बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ऑर्डर क्या लिया है, m क्रॉस n. ठीक है? देखिए नल मैट्रिक्स क्या होता है उसे समझते हैं. अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेट टू बी नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो. ठीक है? कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, वो कितने ऑर्डर की हो सकती है, m क्रॉस n. ठीक है? वो कितने ऑर्डर की होगी, m क्रॉस n. m क्रॉस n यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर भी हो सकता है. फिलहाल हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो हम जनरल बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या लिया ऑर्डर, m क्रॉस n. A matrix of order m cross n is said to be null matrix. उसको null matrix बोलेंगे अगर इसके सारे एलिमेंट क्या हों, जितने भी एंट्रीज हैं वो सारे क्या हों, जीरो हों. ठीक है? अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज जीरो होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, null matrix और zero matrix. ठीक है? यहाँ पे हमने m cross n की मैट्रिक्स ली है तो यहाँ पे हमने m रोज लिया है और n कॉलम लिया है. ठीक है? हमने बताया था कि m क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को. फर्स्ट जो होता है वो हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला क्या होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक? एग्जांपल से देखते हैं. एग्जांपल अगर इसका लूम है तो क्या होगा, वही होगा जीरो जीरो जीरो. बस यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर को पर्टिकुलर ले लिया है. यहाँ पे हमने कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, 3x3. आप चाहिए तो 2x3 का भी ले सकते हैं. ठीक है? ये क्या है हमारा, 2x3. ठीक है? तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात की. तो यहाँ पे हमने 3x3 का देखा, 2x3 का देखा, लेकिन उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो ही होंगे. तो वो क्या होती है हमारी, नल मैट्रिक्स होती है. ठीक? अब आगे बात करते हैं. सेकेंड टाइप हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. अ मैट्रिक्स
हैविंग ओनली ओनली वन रो एंड एंड कॉलम्स. ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एन कॉलम्स ऑफ ऑर्डर ऑर्डर वन क्रॉस एन. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एन कॉलम्स ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस एन, देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स, ओके. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एन कॉलम्स ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस एन, देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. ठीक है, कोई भी रो मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके पास क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो. यहाँ पे लिखिए ओनली, इसको अंडरलाइन करिए, ओनली वन रो. ठीक है, कितने रो होने चाहिए, सिर्फ एक रो होना चाहिए. रो कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज सिर्फ वन होना चाहिए. एंड एन कॉलम्स, कॉलम कितने भी हो उससे वो मैटर नहीं करता, रो हमारा कितना होगा, सिर्फ वन होगा. अगर रो हमारा वन है और एन कॉलम्स हैं, एन कॉलम्स का मतलब टू थ्री फोर एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है कॉलम्स, लेकिन जो रो है वो हमारा क्या होगा, सिर्फ वन होगा, देन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस एन. रो हमारा क्या होता है, रो हमारा ये फर्स्ट नंबर क्या दिखाता है, हमारा रो रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला कॉलम रिप्रेजेंट करता है. तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर बनेगी वो कितनी बनेगी, वन क्रॉस एन की, देन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इज इक्वल टू ए वन वन ए वन टू एंड सो ऑन ए वन एन. ठीक है, ये देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है. अब देखिए यहाँ पे हम कोई नंबर नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये हम क्या बता रहे हैं, डेफिनेशन. तो हम क्या लेंगे, जनरल एलिमेंट लेंगे ए वन वन ए वन टू ए वन एन. ठीक है, तो इसमें रो हमारा कितना है, वन. कॉलम कितना है, एन कॉलम है. ठीक है, तो कॉलम कितना भी हो ये डिपेंड, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा जो रो है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए. तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू टू थ्री सॉरी टू थ्री वन. ठीक है, तो ये हमने क्या लिया, ये है हमारा वन क्रॉस थ्री, वन रो थ्री कॉलम. ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, जिसमें रो क्या हो, वन हो, कॉलम कुछ भी हो सकता है. ठीक, तो इसको राइट डाउन करिए. अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, जिस तरह से रो मैट्रिक्स है उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स है, बस उसमें क्या होगी, कॉलम की संख्या वन होगी और रो की संख्या कितनी भी हो सकती है. ठीक है, तो देखते हैं, थर्ड है हमारा कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन एंड ओनली वन कॉलम्स. ठीक है, इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ठीक है, कोई मैट्रिक्स जिसके पास क्या होंगी, एम रोज होंगी एंड ओनली वन कॉलम्स, कितने कॉलम होंगे, सिर्फ वन कॉलम. रोज कितनी भी हो सकती हैं, एम कॉलम एम रोज होंगी, लेकिन जो कॉलम होगी, कॉलम की संख्या कितनी होगी, सिर्फ वन कॉलम होगी, इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन. ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन. एम क्यों, एम रो कितने हो सकती है, एम हो सकती है. ठीक है, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है, और जो कॉलम होगी वो रेस्ट्रिक्ट है, वो कितनी हो सकती है, सिर्फ वन हो सकती है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन एंड सो वन ए एम वन. ठीक है, इसमें रो की संख्या कितनी है, एम, और कॉलम की संख्या सिर्फ कितनी है, वन. कितने कॉलम है, वन. रो कितने हैं, वन रो टू रो थर्ड रो. ठीक है, एंड सो वन एम रो. ठीक है, तो एम एथ रो है, वन कॉलम है, तो ये कितने ऑर्डर की बनेगी, एम क्रॉस वन. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ए इज इक्वल टू टू थ्री वन. ठीक है, ये हमने क्या लिया, थ्री क्रॉस वन. ठीक है, थ्री क्रॉस वन मतलब रो कितनी है, थ्री, और कॉलम कितना है, वन. तो कॉलम हमेशा रेस्ट्रिक्ट रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम हमेशा कितना रहेगा, वन, और रो कितनी भी हो सकती है. ठीक है, टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन. ठीक है, एम रोज हो सकते हैं और कॉलम वन हो सकती है. सेम डेफिनेशन है इसी तरह से रो का, उसमें रो कितनी हो सकती थी, वन हो सकती थी, तो उसे क्या बोलते थे, रो मैट्रिक्स. और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम कितनी होगी, वन होगी, और रो कुछ भी हो सकती है. और रो मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स में रो वन होती है और कॉलम कुछ भी हो सकती है, एन कॉलम्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स और इसको कॉलम मैट्रिक्स. ठीक,
डेफिनेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक, आप इसको राइट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप जो है हमारा मैट्रिक्स का, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग मोर नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट्स रोज, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग मोर नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट्स रो देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग मोर नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट्स रोज देन इट इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। देखिए कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास क्या होगी, मोर नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब ज्यादा कॉलम होंगे किसके अपेक्षा, रोज के अपेक्षा कॉलम की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। देखिए ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2x3। तो हमेशा कॉलम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? रो से। अगर कॉलम रो से ज्यादा होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज। तो यहाँ पे क्षैतिज का मतलब क्या? जो इस तरह से बने, ऐसी लाइन बने, ठीक है। तो जब ऐसी है तो देखिए यहाँ पे कॉलम क्या है? कम है रो की अपेक्षा। कॉलम क्या है? ज्यादा है रो की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए कॉलम क्या है? कॉलम हमेशा कम होगा किससे? रो हमेशा क्या होगा? कम होगा किससे? कॉलम से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और इसमें ये भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। I is always less than J, ठीक है। J हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? I से, ठीक है। I क्या रिप्रेजेंट करता है? रो। और J क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। तो कॉलम हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और रो क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे? अ मैट्रिक्स हैविंग मोर नंबर ऑफ रोज देन इट्स कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स में क्या होता था? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता था? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते थे वो क्या होते थे? ज्यादा होते थे किसके? रो की अपेक्षा। लेकिन वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है? मोर नंबर ऑफ कॉलम रोज, मोर नंबर ऑफ रोज, रोज की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी किसके अपेक्षा? कॉलम्स की संख्या की अपेक्षा रोज की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। रोज नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? ज्यादा होंगे किसके अपेक्षा? कॉलम के अपेक्षा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब रोज की जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए किससे? कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होना था? होता था कॉल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते थे? ज्यादा होते थे किससे? नंबर ऑफ रोज से, ठीक है। तो ऐसे इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू। ऐसे आप ढेर सारे एग्जांपल बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ रोज क्या है? थ्री। नंबर ऑफ रोज क्या है? थ्री। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? टू, ठीक है। तो रोज क्या है? रोज की संख्या किससे? कॉलम से ज्यादा हो गई। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे ये मत कहिएगा कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो बराबर का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। हमेशा क्या होना चाहिए? वर्टिकल मैट्रिक्स में रोज की संख्या ज्यादा ही होनी चाहिए कॉलम से, ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए रो से, रो की संख्या से, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स की। एग्जाम्पल क्या होगी? कुछ भी ले लीजिए, 2 1 3 2 4 6 5 9, ठीक है। ये क्या हमारा
ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, कितने क्रॉस की, कितने ऑर्डर की, रोज कितने नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4, 1 रोज 2 रोज 3 रोज 4 रोज, तो 4 रोज, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो 4 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारी कितनी बनी, 4 क्रॉस 2 की। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और रो मैट्रिक्स में क्या होगा, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज आई इज ग्रेटर देन जे, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। I क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, और J क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। तो कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, रो से। इक्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल का कोई केस नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो सिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है, वो हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग अ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मतलब दोनों की नंबर्स क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज रिटन एज, स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जितने भी डेफिनेशन लिखवाए वहां पे मैंने रिप्रेजेंटेड बाय लिखवाया है, यहाँ पे, वहां पे आप कर लीजिए रिटन एज, ठीक है। इट इज रिटन एज ए इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या, कौन सी मैट्रिक्स ली है, 3x3 की, जिसमें क्या है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, 1 ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सिमिलरली आप 4x4 की ले सकते हैं, 5x5 की ले सकते हैं, ठीक है, जितनी भी लीजिए, नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, रो के नंबर्स और कॉलम्स के नंबर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए, हियर a11 a22 a33 आर प्लेस्ड इन द डायगोनल, ठीक है। ये जो है, ये किस में प्लेस्ड है, डायगोनल में प्लेस्ड है, ठीक है। कभी भी डायगोनल की जब हम बात करेंगे तो वो किस में बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमारे डायगोनल बनते हैं, ठीक है। तो a11 a22 a33 ये क्या है, प्लेस्ड इन द डायगोनल, सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट हम कब, किस में बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में। जब भी डायगोनल की बात होगी, दैट मींस वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम डायगोनल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें डायगोनल क्या होगा, a11 a22 a33, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं, कोई सा भी आप ले लीजिए, 4x4 की ले लीजिए, 2x2 की ले लीजिए, ठीक है। ये क्या है हमारा, 2x2 की, 2x2 की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3x3 की भी ले सकते हैं, 4x4 की भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।